गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास बॉस, क्लास बॉस मैं। देखिए चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में था नंबर्स अप टू 20। इसमें हमने नंबर अप टू 20, इसमें जो है हमने 20 तक नंबर्स बनाना सीखा था। देखिए चैप्टर नंबर 4 था नंबर्स अप टू 20। हमने जो है 20 तक नंबर्स बनाना सीखा था। इसमें हमने 4a 4b तक कंप्लीट कराया था। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है योग सर का मतलब होता है कि जो रिवीजन एक्सरसाइज होती है उसको आप खुद करिए। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। आपको सही आंसर पे निशान लगाना है। क्वेश्चन समझाएंगे क्या है क्वेश्चन 1 में, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पे आपको निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ 11। देखिए 11 की करेक्ट स्पेलिंग, 11 की स्पेलिंग जो सही है उस पे आपको टिक करना है। पहला है ELEVEN, है फिर उसका ALEVEN। सबसे पहले देखिए 11 की स्पेलिंग आपको मालूम हो, EL के बाद EV आता है फर्स्ट में, ELEVEN ये आपका सही है, लेकिन सेकंड में क्या है ELAVE लिखा है, ए आ गया इसलिए स्पेलिंग गलत हो गई। और थर्ड में स्टार्टिंग EL है इसमें AL लिखा है, थर्ड भी गलत है। इसका मतलब कि A का जो फर्स्ट है, देखिए A का फर्स्ट जो है यहाँ पे ELEVEN लिखा है उसको ऐसे टिक कर दीजिए। बी में आइए, देखिए बी में दिया है 18 इज इक्वल टू, 18 जो किसके इक्वल है 8 tens plus 1 1। 8 tens का मतलब होता है 80 और 80 में फिर 1 करेंगे 81 हो जाएगा, पहला गलत हो गया। सेकंड में 1 10 plus 8 1, सेकंड में कि 110 को 10 करेंगे और 10 में जैसे ही 8 वंस को ऐड करेंगे तो 18 बनेगा, सेकंड आपका सही है। थर्ड में 8 tens plus 8 1, 8 tens का मतलब 80 और 80 में हम 8 करेंगे 88 हो जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड आपका गलत है क्यों, सेकंड ही आपका सही है। सेकंड में 110 प्लस में 8 वंस मिलके 18 होता है, इसको भी कैसे टिक कर दीजिए। फिर सी में आए, देखिए सी में क्या है द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 12 18 19 14 11। देखिए 12 दिया है, 18 दिया है, 19 दिया है, 14 दिया है, 11 दिया है, 12 18 19 14 11। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा तो आपको अगर काउंटिंग मारनी है, क्योंकि आपका जो चैप्टर है 1 से लेकर 20 तक का है, मतलब इस चैप्टर में आपको 1 से लेकर 20 तक नंबर्स को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में है। इसमें जो भी नंबर्स है 20 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसके देखिए 12 18 19 14 11। इसमें क्या है सबसे बड़ा नंबर क्या है 110 तो सब में है लेकिन 9 वंस को है, मतलब कि इसमें जो 19 है वो सबसे बड़ा है। आप काउंटिंग करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, काउंटिंग करना आपको मालूम है, इसके इसमें सबसे बड़ा नंबर 19 है, तो 19 पे देखिए सेकंड वाला है यहाँ पे सी का, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड 19 और ऐसे लिखे टिक कर दीजिए। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में करा फिल द मिसिंग नंबर। आपको जो जगह खाली है वहाँ पे नंबर फिल अप करना है, तो लिखा है देखिए 11 दिया है, 15 दे दिया गया है, 15 के बाद अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 11 स्टार्टिंग नंबर है, फिर बीच में जगह खाली है, फिर 15 है और फिर बीच में जगह खाली 20। तो अगर आप 11 से स्टार्ट करते हैं
यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 12, 1, 3, 30, 1, 4, 40, 1, 5, 50, 1, 6, 60, 1, 7, 70, 1, 8, 80, 1, 9, 90 और उसका 2 0 20 इसको कॉम्बी का आपको मालूम है आपने नंबर फिल अप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में आएगी, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है राइट द नंबर नेम, तो देखिए 13 दिया है 17 दिया है, तो 13 स्पेल क्या होती है THIRTEEN है, 13 की स्पेलिंग होती है THIRTEEN, क्योंकि आप यूके में पढ़े हैं 1 से लेकर 100 तक स्पेलिंग, तो 13 की स्पेलिंग हमें लिखनी है। इसी तरह 1, 7, 17 है, पहले आप 7 की स्पेलिंग यहाँ लिख लीजिए, उसमें ऊपर TEEN लगा दीजिए, 13, 17 हो गया। इसी तरह 15 और 19 का है, 15 में 5th की स्पेलिंग FIF होता है, अब इसमें TH नहीं लगेगा, FIF उसके बाद TEEN होगा, और 19 में पहले 9th की स्पेलिंग दीजिए NIN, उसके बाद TEEN 19, इस तरह से देखिए नंबर नेम हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में आई, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 110 प्लस का 5 उसमें कितना होता है, यहाँ बॉक्स में आपको नंबर फिल अप करना है, फिर यहाँ दिया है 110 प्लस लेस 1 इक्वल टू 13, फिर तीसरा दिया है 10 प्लस 8 1 इक्वल टू 18, और चौथा दिया है 2 10 प्लस 0 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 110 में 5 करेंगे तो 110 का मतलब होता है 10 और 10 में 5 करेंगे तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि 13 दिया है, 110 दिया है, यहाँ पे 1 में नंबर नहीं भरा है, तो 110 हुआ तो 10 में क्या करेंगे 30 है, तो 10 में अगर 3 करेंगे तभी तो 30 मिलेगा, अगर हमें 3 वंस भर देंगे। इसमें वही चीज है, 8 वंस दिया है तो 110 बचा, यहाँ पे 110 8 वंस जो कि 18 हो जाएगा, इसी तरह 2 टेंस और 0 वंस जो कि 20 हो जाएगा, आप यहाँ पे नंबर इस तरह से फिल अप करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 1, 8, 1, 5, 1, 1, 1, 3, 1, 7 और 1, 6। अब इसमें देखिए जिस नंबर पे हम अंडरलाइन करेंगे उसकी आपको प्लेस वैल्यू बताना है, यहाँ देखिए कलर नीट है क्योंकि बुक में कलर करके दिखाया गया है और ब्लैक बोर्ड पे कलर हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास राइटिंग चौक है, इसलिए जो है सबसे पहले इसमें देखिए 8 का बताना है, इसमें 1 का बताना है, इसमें भी 1 का बताना है, इसमें भी 1 का आपको बताना है, इसमें भी 1 का बताना है, इसमें 6 का बताना है। देखिए जिस नंबर के नीचे हमने अंडरलाइन किया है उस नंबर की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होगा, ये केवल इसमें 2 डिजिट का नंबर है तो वंस और टेंस, मतलब कि ये नंबर पहला वंस होगा दूसरा नंबर टेंस होगा, तो आपको देखिए आपको दूसरे नंबर में चलना है तो 8 वंस का मतलब क्या होगा, वंस का मतलब होता है 80, तो 8 देखिए हम 8 वंस का मतलब ये होता है 8 में हम 1 को और 8 में अगर 1-1 करके अगर 1 को हम 8 टाइम्स ऐड करेंगे तो भी 8 होगा, और अगर उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म लिखेंगे तो 1-8 का 8 होता है, 8 वंस का मतलब होता है 8, इसका मतलब कि हम 8 हो जाएगा। फिर 1-10 का मतलब क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
तो 10 का जो एक ग्रुप जो बनता है, इस ग्रुप के अंदर आप 1 10 का मतलब क्या है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 10 का मतलब 10 हुआ, यहां पर 10 लिख देंगे क्योंकि 1 जो है 10 स्पेस पे है। इसी तरीके 1 यहां है, यहां भी 10 हो गया, यहां भी 10 आपका हो जाएगा और यहां भी आपका 10 हो जाएगा। और यहां पे देखिए 6 वंस है, अब यहां पे देखिए 10 का ही नंबर नहीं है, वंस का नंबर है, 6 वंस का मतलब 6 होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में आए 16 13 11 11, उसके बाद 19 और 20। अब यहाँ पे देखिए आपको तीन साइन लगाना है, ग्रेटर देन एस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन मतलब देन का मतलब होता है कि 16 इज ग्रेटर देन 13। 16 जो है 13 से बड़ा है, 16 इज देखिए यहाँ पे 16 इज ग्रेटर देन 13, ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो गया। यहाँ पे देखिए 1 1 11 होता है, 1 1 11 दोनों तरफ सेम नंबर है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन कर देंगे। फिर 1 9 19 है, 2 0 20 है, तो 19 इज लेस देन 20, 19 जो है 20 से छोटा होता है, इसके जो है यहाँ लेस देन लगा तो यहाँ पे लेस देन का साइन लगा दिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आई है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 12 17 13 और 9। इसको जो है आपको क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब होता है कि आपको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना और सबसे बड़े नंबर पूछना है। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या होगा, पहले 12 क्योंकि 11 से 20 के बीच का ही आपको है, क्योंकि जो भी नंबर है 10 के बाद जो नंबर, जिससे सबसे छोटा क्या है आपका 12 हुआ। 12 के बाद यहाँ देखिए 13 है, इसमें 14 15 16 आपको नहीं दिया, इसलिए तीनों नंबर आप ले लीजिए। जो नंबर इसमें दिया उसी नंबर के हिसाब से चलेंगे, अपने मन से आप नंबर नहीं बढ़ाएंगे। तो 12 के बाद 13, देखिए 13 है लेकिन 14 15 16 ये तीन नंबर नहीं इसमें लिखा है, आप उसके आगे 14 15 16 नहीं लिखेंगे। 16 के बाद 17 लिखा है तो 17 यहाँ लिखेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में बचा 19। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा नंबर आपका 12 हुआ और सबसे बड़ा नंबर 19 हुआ। अब इसके बीच के जो भी नंबर्स थे उसको हमने इसके बीच में जो भी नंबर्स थे उसको हमने इसमें से देख कर लिख दिया। तो ये आपका होता है, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। फिर इसी तरह अगला एक क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे, ये दिया है 20 11 14 और 16। अब इसमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना, सबसे छोटे नंबर में जाना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20 होगा, अब 20 के पीछे 16 आएगा, 16 के पीछे 14 आएगा, 14 के पीछे 11 आएगा, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। आपका ये जो है इस तरह से चैप्टर नंबर 4 हमने खत्म किया है। चैप्टर नंबर 4 भी रिवीजन एक्सरसाइज आपको करा दी है, अब इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम, ये चैप्टर नंबर 5 है, टॉपिक है नंबर्स
बनाना सीखा था। अब उसके बाद आप जो है नंबर 50 तक बनाएंगे। 50 तक बनाने के लिए आपके पास लाइब्रेरी से दिस इज ए फोटो फ्रेम, ये फोटो फ्रेम दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि प्लीज स्टोर फैब्रिक फोटोग्राफ, ये फोटो फ्रेम दिया हुआ है, इसमें जो है अपने परिवार की जो फोटो उसको इस पे चिपकाना है। और उसके बाद आपको सोचना है उसका जितने भी फैमिली मेंबर्स उनका एज आपको वो करना है, मतलब बताना है। जैसे देखिए ये फोटो फ्रेम है, इसमें फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर, मतलब मम्मी पापा भाई है, इसमें चार फोटो आपको चिपकाना है। और सबकी फोटो चिपकाने के बाद अपने आप मम्मी पापा से पूछिएगा कि आपकी एज कितनी है, मतलब आपकी उम्र कितनी है, वो उम्र आप जो है अगर मम्मी की 50 है तो मम्मी में 50 लिखेंगे, फादर का 60 है तो फादर में 60 लिखेंगे, ब्रदर का 20 है तो 20 करेंगे, सिस्टर का अगर 50 है तो 50। तो मतलब कि आप जो है इसमें चार फोटो चिपकाने किसकी किसकी, मम्मी पापा भाई बहन, और सबका फोटो चिपकाने के बाद जो है आप उनकी एज पूछिएगा और वहाँ पे यहाँ पे फिलअप कर देगा, मदर का मदर में करिएगा, फादर का फादर में, ब्रदर का ब्रदर में, सिस्टर का सिस्टर में। अब देखिए ध्यान से कि अब जो है आपने 20 तक नंबर बनाना सीखा, अब जो है नंबर्स बनाएंगे 21 to 50। 21 to 50 का मतलब हुआ कि आपको अगर 21 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक सर्किल है, इस सर्किल में 1 2 3 4 5 उसका 6 7 8 9 10, फिर इसमें एक और सर्किल लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि इसको लिखेंगे 1 10, फिर यहाँ पे 1 10, और फिर उसके बाद हम एक और इसमें छोटा केवल 1 लिखेंगे 1। अब देखिए हम 21 आपको बता रहे हैं, देखिए इसमें आपको 21 से 50 तक नंबर बनाना है, तो हम लेट अस बोल्ड नंबर 21 हम आप देखिए यहाँ पे 21 हम बना रहे हैं। 21 बनाने के लिए क्या करें, एक सर्किल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दूसरे सर्किल में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसको हम प्लस कर रहे हैं 1 10 के बाद फिर 1 10 है और प्लस का 1, तो 1 10 को हम लोग क्या बोलेंगे 10 बोलेंगे, फिर उसका 1 10 को 10 बोलेंगे और उसके बाद प्लस का 1 लेंगे, तो 10 और 10 मिलके कितना हुआ 20 हो गया, क्योंकि 1 10 और 1 10 मिलके 2 10 हो गया, तो 2 10 को 20 बोलेंगे, लेकिन हम यहाँ ऐसे बता रहे हैं कि 1 10 को हम लोग 10 बोलेंगे, फिर इसमें फिर हमने 1 10 ऐड किया तो इसका मतलब 10 हुआ, तो 10 और 10 मिलके 20 हो गया, तो देखिए इस सर्किल में केवल 1 केवल 1 बोला है, मतलब एक ही गोला है, एक गोले को 1 10 हम नहीं लिखेंगे, जब तक उसके अंदर 10 नहीं होगा तब तक आप उसको 1 10 नहीं लिख सकते, इसके 1 है इसके 1 1 तक। अब इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं, इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 10 और 10 में 20 हुआ, और 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 बन गया। चाहे इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 तो ये 1 10 और 1 10 को हम लिखेंगे 2 10s प्लस का 1 1 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो 2 10s का मतलब हुआ कि इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, ये दोनों एक ग्रुप में बना दिए, देखिए इसको हमने एक ग्रुप में बना दिया और उसमें फिर हमने 1 ऐड कर लिया, 1 1 ऐड कर दिया, तो 1 10 1 10 में क्या हुआ 20 हो गया, तो 2 10 तो 1 10 1 10 के 2 10s हुआ, 2 10s को हम लिखेंगे 20 और फिर 1 को ऐड करेंगे तो 21 बन गया। इस तरह से देखिए यहाँ पे 21 से लेकर आपका 50 तक नंबर दिए हुए हैं, इसको हम अगले वीडियो में और अच्छे से समझाएंगे, आज के लिए इतना, इसको आप पूरा देखिएगा पढ़िएगा समझिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।